एक योहाना नाम की लड़की थी। अभी जून शुरू हो गया था तो योहाना की स्कूल की छुट्टियां भी हो गई थी। अब योहाना को चिंता होने लगी थी, अगर स्कूल नहीं जाएगी तो वह अपने दोस्तों से कैसे मिलेगी और उनके साथ कैसे खेलेगी। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया बार बार एक पेड़ पर कभी आ रही है कभी जा रही है। जब उसने पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि चिड़िया ने पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा है और उस घोंसले में चिड़िया के दो अंडे भी हैं। यह देखकर योहाना बहुत खुश हुई, मानो उसे अपनी कोई दोस्त मिल गई है। अब हर रोज योहाना सुबह उठती, खाना खाती और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती जहां चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। कुछ दिन बीतने के बाद चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आए थे। योहाना यह देखकर बहुत खुश हुई। अब चिड़िया हर रोज सुबह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाती और दोपहर तक वापस लौट आती थी। एक दिन उनमें से एक चिड़िया का बच्चा पेड़ से नीचे गिर गया। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था तो वह उड़ना भी नहीं जानता था। जब बच्चे को उसने नीचे गिरा हुआ देखा तो योहाना ने खुशी से उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया और उसे अपने साथ घर ले गई। जब योहाना की दादी ने यह देखा तो वह बोली, बेटी इस चिड़िया के बच्चे को तुम्हें घर नहीं लेकर आना चाहिए था। इसकी माँ को अपने बच्चे की चिंता सता रही होगी। जाओ बेटी, इस बच्चे को वापस छोड़कर आओ। इसको मैं वापस छोड़कर आती हूँ। उधर तब तक चिड़िया भी खाना लेकर लौट आई थी। जब उसने देखा कि उसका एक बच्चा अपने घोंसले में नहीं है तो उसे बहुत चिंता हुई। लेकिन तभी उसने देखा कि एक छोटी लड़की उसके बच्चे को लेकर आ रही है। मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? आ जाओ मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? चिड़िया ने योहाना का धन्यवाद। योहाना की माँ को बुखार हो गया था तो माँ ने कहा, योहाना मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ दवाई लाकर दे दो। लेकिन योहाना ने अनसुना किया और चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से चल पड़ी। इत्तफाक से उसी दिन चिड़िया के बच्चे खेलने नहीं आए। योहाना ने पेड़ पर चढ़कर यह देखने की कोशिश की कि क्या हुआ है, तो उसने देखा कि दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठे हैं और चिड़िया की तबीयत खराब है। तभी वहाँ
नुक्कू डॉक्टर आया और उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से देखो कि मेरी माँ को क्या हुआ है। नुक्कू डॉक्टर बोला, घबराने की बात नहीं है, माँ को थोड़ा सा बुखार है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, मैं कुछ दवाइयाँ देकर जाता हूँ। दोनों बच्चों को अपनी माँ की सेवा करते देख योहाना को एहसास हुआ कि उसकी माँ को भी तो बुखार था, लेकिन वह तो माँ को बिना दवाई दिए ही खेलने आ गई। यह सोचकर योहाना मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। यह सोचते हुए योहाना वापस अपनी माँ के पास लौटी और घर जाकर उसने अपनी माँ को दवाई दी और अपनी माँ की तब तक सेवा की जब तक उसकी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए।